नमस्कार, लव पैशन फॉर फूड में आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आज हम बना रहे हैं आम पापड़, जो कि सबको बहुत ही पसंद आता है। आइए शुरू करते हैं आम पापड़ बनाना। ये 1 किलो मैंगो पल्प लिया हुआ है, रफली चॉप किया हुआ है मैंने। 1.25 किलो करीब लिया था, लेकिन ये 1 किलो पूरा निकला है। इसमें हम 1 कप चीनी डालेंगे। आप चीनी अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कम ज्यादा। आपने कम मीठा खाना तो कम कर सकते हैं। और ये 2 चम्मच नींबू का जूस। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे विदाउट पानी डाले। हम बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, ऐसी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए प्यूरी बन गई अच्छे से। हम इसको थोड़ा सा छान लेंगे, क्योंकि अगर कोई लंप रह गया है या कोई रेशा है जिससे वो रह जाए, हम जब पकाएंगे इसे तो उसमें ना आए, इसलिए हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेन कर लेते हैं। बहुत जल्दी हो जाता है। सारा स्ट्रेन कर लिया हमने, जो भी थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा लंप रह गया था और गंदा जो भी है सब्जी में। ये हमने गैस पे कढ़ाई रखी हुई है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाएंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं होगा तब तक हम इसे पकाएंगे। कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं। इसको अभी देखिए गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा और गाढ़ा करना पड़ेगा। गाढ़ा हो गया है, थोड़ा और गाढ़ा करेंगे अभी हम। इसी के ऊपर आएगा ढक्कन के ऊपर, पूरी गैस मैसी नहीं होगी। गाढ़ा हो गया तैयार। इसको कि पूरा गाढ़ा हुआ है या नहीं, अभी तैयार है जमाने के लिए या नहीं, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा प्लेट पे डाल के देखेंगे। सूखा सा लग रहा है ना, ये बिल्कुल भी नीचे नहीं जा रहा है, हिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये तैयार है। इस वक्त मैं इसमें 1/4 कप काला नमक डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे थोड़ा टेस्ट बेटर हो जाएगा, क्योंकि बहुत मीठा है तो थोड़ा सा सॉल्टी डालेंगे तो टेस्ट आएगा। काला नमक का टेस्ट वैसे भी अच्छा होता है। और ये मैं थोड़ी सी इलायची डाल रही हूँ, छोटी वाली, छोटी भी, ये ऑप्शनल है। आपको अगर पसंद है तो डालिए, नहीं तो नहीं डालिए। गैस ऑफ करते हैं। ये मैंने 2 थाली ली हैं ग्रीस की भी, देसी घी से मैंने इनको अच्छे से लगा लिया सारे पे घी। अब हम इसमें मैंगो है पर हम स्प्रेड कर लेंगे हर तरफ।
इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से बराबर आ जाएगा। ये देखिए, अब हम इसको दो दिन के लिए, मतलब एक से दो दिन लग जाते हैं धूप में रख देंगे कि जिससे सूख जाएगा अच्छे से, या फिर अगर धूप नहीं आती है तो आप इसको फैन के नीचे भी रख सकती हैं, लेकिन फैन के नीचे रखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, धूप में हम दो दिन के लिए इसको छोड़ देंगे। ये देखिए एक दिन बाद इतना ड्राई हो गया, अच्छा हो गया, आम पापड़ तैयार है। हम इसको निकालते हैं प्लेट से। कितना अच्छा निकल गया, इसको हम स्लाइस करते हैं। आप जैसी भी शेप में इसको काटना चाहते हैं वैसे काटिए। ये मैंने नाइफ से कर रही हूँ, बट अगर पिज्जा कटर है तो और इजी हो जाएगा। कट गया फटाफट। इसको हम लेयर्स अलग अलग हैं, इस तरीके से हम बना के रखते हैं। और अगर आप जैसे मार्केट में मिलता है ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे छोटा छोटा काट लीजिए, साइज का एक साइज का। हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, थोड़ा बड़ा है ये, इसको हल्का सा ऐसे। ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह हो गया ना, ऐसा मार्केट में जैसे मिलता है, इसी तरीके से हम सारे रोल बना लेते हैं इसके। आम पापड़ बनके तैयार है खाने के लिए, बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है एंड घर पे बना हुआ है, इतना इजी है बनाना, हर कोई बना सकता है। और बच्चों को बड़ों को किसी को भी ऐसा नहीं है जिसको आम पापड़ पसंद ना आए, तो आप भी बनाइए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, इंजॉय करिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।